in it we have to do the opposite things. The name is given and we have to write its corresponding formula. Now what are given in it? The diamine, and this is the chromium, NH3 whole twice, and then triaqua, so H2O whole thrice, and also given hydroxydo, so OH. If some ligand is formed by more than two elements, then we write in bracket. Now, as the chromium oxidation state is given to us third, so it is neutralized here by one OH. So net chromium इस स्फीयर पे कितना बचेगा प्लस टू चार्ज, तो उनको एडजस्ट करने के लिए हमें यहां NO3 कितना लेना पड़ेगा होल ट्वाइस. सो दिस इज द आंसर. इन इट द नेम इज टेट्राकिस्पिरिडिन प्लैटिनम सेकेंड टेट्राफिनाइल बोरेट थर्ड. Now, in it, it seems that both cation and anion are complex species. तो इसको उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको. जैसे firstly, pyridine का abbreviation होता है PY, ऐसे अपन ने लिख दिया. और यहां आप देखिए कि platinum जो है वो सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर रख रहा है, तो इस पे नेट चार्ज मेरा प्लस टू आ गया. अब यहां बोरेट वाला दे रखा है, मतलब ये इस वाली साइड में है बोरोन का, और साथ में कितना दे रखा है टेट्राफिनाइल. तो जैसे मिथाइल इथाइल होता है वैसे ये हमारा फिनाइल हो गया, पीएच एब्रिवेशन हो गया. और इसमें भी कितना लेना है टेट्रा. और अगर इस पे अपना जो चार्ज है वो बोरोन वाले स्पीशी पे प्लस थ्री का इसमें जो है वो चार्ज है, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, और इधर जो है वो प्लस टू का चार्ज है और ये हमारे एनायनिक पार्ट में है, तो इसको हम बैलेंस कर देंगे और दैट इज द आंसर. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू राइट द IUPAC नेम्स फॉर्मूला एंड द name is dibromido tetracarbonyl iron second. So this is the iron and they are saying dibromido. अब ये element है इसलिए bracket में नहीं लिखा जाएगा, और अगर एक से ज्यादा element होंगे तो उनको हम bracket में लिखेंगे. और साथ में ये क्या कह रहे हैं कि जो iron second है और tetracarbonyl, तो चार्ज को चेक कर लीजिए, ये टू ये माइनस टू तो जीरो हो गया, तो कोई चार्ज नहीं आएगा. दिस इज द आंसर. इन इट द नेम गिवन इज टेट्रा एमाइन कोबाल्ट थर्ड डैश म्यू डैश एमिडो. तो इसमें जो है वो ब्रिजिंग लिगेंड वाला कॉन्सेप्ट है, वो कैसे पता चल रहा है, ये म्यू जो यूज होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में नॉमनक्लेचर में, वो तब होता है जब ऐसे इस तरह से ये ब्रिजिंग हमारे लिगेंड्स हो. अब इधर भी टेट्राएमाइन है और इधर जो है वो बिस इथाइलिन डायमीन है, तो सबसे एडजस्ट कर दीजिए टेट्राएमाइन का, ऐसे हो गया.
और इसमें हो गया बिस लगा हुआ है. क्यों लगा हुआ है? क्योंकि डाई नहीं लगेगा, खुद लिगेंड के नेम में डाई आ रहा है, तो ये ई एन होल ट्वाइस हो गया. अब फाइनली हमको ये फील करना है कि कितने क्लोरीन हो सकते हैं. तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि प्लस थ्री है, और ये भी गिवन है जो है वो प्लस थ्री है, तो प्लस का सिक्स हो गया. ये मेरा जो है वो एमिडो एनएच टू माइनस होगा, ये मेरा जो है वो हाइड्रोक्सीडो माइनस वन होगा. तो जब मैं सिक्स में से माइनस टू करूंगा तो मेरे पास पॉजिटिव का फोर बचा. तो ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल होने के लिए मेरे को क्लोरीन कितने साथ में अटैच करने पड़ेंगे आयोनिक स्फीयर में? फोर. सो ओवरऑल ये मेरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कंपाउंड हो गया, न्यूट्रल बॉडी हो गया, एंड दिस इज द आंसर. इन इट द नेम गिवन इज अमोनियम डाई एमाइन टेट्रा किस आइसोथायोसाइनेटो एंड क्रोमेट थर्ड. ओके, सो फर्स्टली यू हैव टू फील द चार्ज. अगर मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करूं, क्योंकि मेरे को पता नहीं है अमोनियम कितने लेने हैं, वो मैं चार्ज बैलेंस के हिसाब से ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल हो इस हिसाब से मैं लूंगा. तो इसमें आप देखिए कि जो डायमाइन है वो न्यूट्रल बॉडी है, आइसोथायोसाइनेटो माइनस वन है, और ये आपके फोर है, और क्रोमियम प्लस थ्री है. तो माइनस का फोर और प्लस का थ्री मिलके और नेट चार्ज कितना बचाएगा? माइनस का वन. तो अगर माइनस का वन है तो प्लस का भी वन होना चाहिए, यानी केवल अमोनियम मेरे पास होगा. अब ये क्रोमियम है और इसके बाद जो है वो डायएमाइन, तो ये एनएच थ्री होल ट्वाइस है. और आइसोथायोसाइनेटो मेरे को कितना दे रखा है? फोर दे रखा है. तो लिगेंड के नेम में एक से ज्यादा एलिमेंट हो तो उसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए ऐसे. दिस इज द आंसर. इन दिस द नेम गिवन इज पेंटाएमाइन डाई नाइट्रोजन रूथमियम सेकेंड क्लोराइड. अब ये पेंटाएमाइन नाइट्रोजन न्यूट्रल लिगेंड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्लस का टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे है, तो आयनिक स्फीयर में क्लोरीन उनको बैलेंस करने के लिए ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है, टू क्लोरीन होने चाहिए. तो इस हिसाब से आपको इसमें इसका फॉर्मूला डिजाइन करना है. और एलिमेंट हो तो हम डायरेक्टली उसको लिखते हैं, ये डाइनाइट्रोजन ऐसे. और ये क्योंकि रूथमियम जो हमारा है वो सेकंड है, तो प्लस का टू इस पे हो गया स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन, तो माइनस टू. ओवरऑल पूरा कंपाउंड हमारे जो है न्यूट्रल बॉडी हो गया. दिस इज द आंसर. द नेम इज बिस साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन सेकंड. तो ये एक हमारा कंपाउंड हो गया, और कैसा कंपाउंड हो गया? जो है वो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड हो गया. तो इसमें Fe ईटा फाइव और C5H5 होल ट्वाइस करके जो है वो इसका हम जो है वो फॉर्मूला दे सकते हैं. इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा कि इसे ऑर्गेनोमेटेलिक है, माइनस है, ये भी माइनस चार्ज्ड है, और यहां प्लस टू है. तो ये जो शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है, इसका स्पेशल नेम कॉमन नेम फेरोसीन होता है. तो ये यहां पे जो फाइव आ रहा है वो ये बता रहा है कि जो ये लिगेंड के फॉर्म में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयरिंग हो रहा है, वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने कार्बन एटम्स के बीच में डीलोकलाइज्ड है, वो फाइव के बीच में है.
तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया. इन दिस द नेम ऑफ द कंपाउंड इज बेरियम डाइहाइड्रोक्सीडो, यानी दो OH है. फिर क्या है डाइनाइट्राइटो, यानी दो आपके ONO है तो -4 हो गया. फिर डाइनाइट्राइटो O और ऑक्सेलेटो यानी C2O4 हो गया, तो नेगेटिव के 6 हो गए. नेगेटिव के 6 हो गए तो जिरकोनेट पे जिरकोनियम पे चार्ज दे रखा है +4, तो -6 का +4 सेटिस्फाई हो गया, तो एक बेरियम चाहिएगा ओवरऑल कंपाउंड को न्यूट्रल रखने के लिए. तो यहां पे एक बेरियम चाहिए और ये हमारा जिरकोनेट नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है तो एंड में 8 आया. ये हाइड्रोक्सीडो दो हैं, ये नाइट्राइटो और ओ है, एम्बिडेंट लिगेंड है, डोनर एटम यहां देखिए कौन सा वाला है ओ. एक क्या रह गया जो है वो इसमें ऑक्सीलेटो भी है C2O4 2-, तो उसको एब्रिवेटेड हम कैसे कर सकते हैं OX. दिस इज द आंसर. द नेम इज टेट्रापिरिडीन प्लैटिनम सेकेंड टेट्राक्लोरिडो एंड दैट इज गिवन निकलेट सेकेंड. ओके, सो आपको इसमें यह देखना पड़ेगा कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन्स हैं, तो दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा. ओवरऑल आपको चार्ज न्यूट्रलिटी का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा. तो यहां पे प्लैटिनम और ये PY मैंने किसको एब्रिवेट किया है पिरिडीन को. अब ये मेरा कैटायनिक पार्ट है +2 चार्ज है तो ऑब्वियसली एनायनिक पार्ट भी -2 चार्ज होना चाहिए, ये मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा. अब निकलेट है और टेट्राक्लोरिडो NiCl4, अगर ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा क्योंकि ये -1 होता है और 4 है तो +2 -4 मिला के यहां -2 हो गया, यहां +2 हो गया, यहां -2 हो गया, तो ये ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल बॉडी हो गया. दिस इज द आंसर. द नेम इज टेट्राएमाइन एक्वा कोबाल्ट 3-μ-साइनिडो. तो इसमें जो है ब्रिजिंग लिगेंड है, एक ब्रिजिंग लिगेंड है CN- साइनिडो, क्योंकि म्यू लगा हुआ है उससे हमको ये फील आ गया, तो ये NH3-4 हो गया क्योंकि टेट्राएमाइन है. फिर एक्वा किसके लिए होता है, कौन सा लिगेंड होता है, वाटर. फिर क्या है कोबाल्ट, फिर क्या है साइनिडो, ये ब्रिजिंग लिगेंड हो गया. उसके बाद हमको क्या दे रखा है टेट्राएमाइन अगेन है ना, और ब्रोमीडो दे रखा है और कोबाल्ट 3 दे रखा है. तो और ये ब्रोमीडो ठीक है. अब इसमें अगर चार्ज के हिसाब से देखूं कोबाल्ट मेरे को ये 3 दिया हुआ है, यहां भी मेरे को कोबाल्ट 3 दिया हुआ है, ये -1 है, ये -1 है, तो +6 में से मैंने -2 किया तो ये मेरा क्या हो गया +4 हो गया. दिस इज द आंसर.